बारहवीं बोर्ड परीक्षा में एक छात्रा के लिए बोर्ड परीक्षा केंद्र आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला। सिर्फ एक छात्रा के लिए आधा दर्जन से अधिक शिक्षा विभाग के अमले निगरानी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र ऐसा है जहां पेपर देने वाले छात्रा की संख्या सिर्फ एक तक ही सीमित रही है। आइए जानते हैं कि ये मामला कहां सामने आया है। हम सभी ने स्कूल के दिनों में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा जरूर दिया है। आमतौर पर बोर्ड परीक्षा के दौरान हर क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट रहते हैं। इन बच्चों पर निगरानी के लिए कम से कम दो टीचर भी होते हैं। इसके अलावा परीक्षा दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की जाती है। हालांकि ये व्यवस्था बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन व्यवस्था करने के लिए की जाती है, मगर हाल ही में बोर्ड परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे भी हैं जहां पेपर देने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ एक है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हो रहे बोर्ड परीक्षा के दौरान एक ऐसा परीक्षा केंद्र है जहां सिर्फ एक छात्रा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भले ही पेपर देने वाले छात्रों की संख्या महज एक है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हैं। इस परीक्षा केंद्र पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संख्या छात्रों से अधिक है। यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य कबीरधाम जिले के पंडरिया का, जहां एम्बिसन पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल की एक छात्रा के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर पंडरिया में परीक्षा केंद्र बनवाया गया है। पंडरिया खंड शिक्षा अधिकारी जीपी बनर्जी से खास चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि केवल एक छात्रा के पंडरिया सरस्वती शिशु मंदिर में परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की गई है। बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 5 विषयों का परीक्षा होगा। तो यहाँ कैसे चल रहा है परीक्षा का भी? सर यहाँ शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से हमारे पंडरिया विकास खंड में एग्जाम चल रही है। आज और मैंने 3-4 ऐसे सेंटर घूमा हूँ और बहुत ही खूबसूरत ढंग से एग्जाम चल रहा है। अपने अपने टीचर जितने भी अपने कर्तव्य सुनने में आया सर, ऐसा भी एक सेंटर है, केंद्र है, वहाँ केंद्र बनाया गया जहाँ एक ही बच्चे है। बताएंगे कुछ सर वो कौन सा स्कूल है और कहाँ? हाँ सर, ये हमारा एक ऐसा सेंटर है पंडरिया ब्लॉक में जहाँ केवल एक ही बच्चे, एक एम्बिशन प्राइवेट स्कूल है, वहाँ एक बच्ची हमारे एक सेंटर है हमारा सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ एग्जाम दे रही थी। वहाँ हमारा एक केंद्राध्यक्ष है, वहाँ उप केंद्राध्यक्ष है, एक पर्यवेक्षक है और बढ़िया ढंग से एग्जाम हो रहा था, मैंने खुद देखा है। तो एक बच्चे के लिए सेंटर बनाया गया है? हाँ भाई, अभी कह तो इधर उधर नहीं कर सकता, केवल एक ही बच्चे हैं जहाँ पर एग्जाम हो रहा है। जहाँ शिक्षा विभाग एक, केंद्र अध्यक्ष दो, उप केंद्र अध्यक्ष एक, परिवेशक दो, 3 शिक्षकों की ड्यूटी तैनात रहती है। शिक्षा अधिकारी बनर्जी ने बताया कि परीक्षा केंद्र में 12वीं कक्षा की केवल एक छात्रा एम्बिसन प्राइवेट स्कूल की है। उन्होंने एक छात्रा एक परीक्षा केंद्र की बात को सुनिश्चित करते हुए कहा कि एक छात्रा के लिए परीक्षा केंद्र की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाए और छात्रा को जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाएं मिले। बता दे बोर्ड परीक्षा केंद्र में कम से कम 2 पुलिसकर्मी, 1 व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रश्न पेपर देने वाला, 1 परीक्षा केंद्र प्रमुख, 1 परिवेशक, 2 केंद्र अध्यक्ष, 1 क्लर्क और 1 भृत्य शामिल रहते हैं। छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले अंतर्गत पंडरिया एक ऐसा परीक्षा केंद्र है जो जिले ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में अचंभित कर देने वाला एक अनोखी मिसाल है। जागरूक और सुलभ शिक्षा की पहल का श्रेय पंडरिया खंड शिक्षा अधिकारी जीपी बनर्जी के प्रयास से यह पहल संभव हो पाया। शांतिपूर्ण यहाँ चल रहा है एग्जाम। हाँ, जब बताएंगे सर यहाँ एग्जाम चल रहा है बोर्ड का और यहाँ व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छा है सर, व्यवस्था शांतिपूर्ण व्यवस्था।
तो कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल आपके यहाँ? ट्वेल्थ में एक ही बच्ची है सर। एक ही बच्ची एग्जाम दे रही है, कहाँ की है वो? एम्बिशन पब्लिक स्कूल से, इंग्लिश मीडियम मलेरिया से। अच्छा, यहाँ कितने स्टाफ लगे एक बच्चे के लिए? पूरे 7 स्टाफ लगे हैं सर। क्या क्या व्यवस्था 7 स्टाफ में बताएंगे? केंद्राध्यक्ष हैं सर, सहायक केंद्राध्यक्ष हैं, क्लर्क हैं, प्यून हैं और सुरक्षा गार्ड। एक बच्ची के लिए पूरे स्टाफ लगे हैं, है ना? ये कौन से स्कूल के बताओ सर? एम्बिशन। एम्बिशन क्या, क्या नाम है लड़की का? क्या नाम बेटा? सुदीक्षा तिवारी। सुदीक्षा तिवारी, सुदीक्षा तिवारी। कौन से सरकार है इनका? ये बायो ग्रुप से है सर, साइंस से। साइंस में बायो ग्रुप। कबीर धाम से पीडी मणिकपुरी की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीरीविजन टीवी।